हेलो दोस्तों, सुप्रभात। आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ जो पुष्पावती गंगा के बारे में आपने सुना होगा। जब आप पंडोखा सरकार की वीडियो देखते होंगे तो आप जरूर पुष्पावती गंगा का नाम आता है, क्योंकि यहाँ पर मान्यता है, यहाँ पर स्नान किया जाता है। हर अमावस्या लोग आते हैं पंडोखा धाम, तो यहाँ पर स्नान करने की मान्यता है। तो आज मैं आपको सुबह सुबह इस ऐसी ठंड में आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये सारा लोकेशन। ये ज़्यादा दूर नहीं है, आधा किलोमीटर है, और यहाँ पर गाड़ियाँ भी पहुँच सकती हैं। ये दिखाना आप लोगों को बेहद ज़रूरी था कि वहाँ पर क्या सुविधा है। और यहाँ पर लोग सुबह सुबह स्नान करने आते हैं, फिर इसके बाद ही हनुमान जी के दर्शन लाभ लेते हैं। वहाँ पर 11 मालाएँ करते हैं, और साथ में ही 11 मालाओं के साथ जो वहाँ का चालीसा होता है उसका पाठ 11 बार करते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर ये भी ज़रूरी है आपको दिखाना कि किस किस प्रकार से यहाँ पर भीड़ होती है। वो खुला दरबार लगता है, ये वीडियो इसीलिए रिकॉर्ड की है कि आप लोगों को दिखाऊं मैं कि यहाँ पर खुला दरबार है। लोगों के बीच बैठकर गुरुशरण महाराज ये सब लोगों को नंबर से बुलाते हैं, तो बारी बारी क्रमांक के द्वारा उनका नंबर लगता है, और हर किसी का नंबर यहाँ पर आता है, और इसी प्रकार से सभी लोगों को दर्शन लाभ मिलते हैं और सभी लोगों की मनोकामनाएँ पूरी होती हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी हाँ। मच।